बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो अभी टाइम हो चुका है जी 11 बज के वी मेट काट 12। तो अभी जाते हैं जी, जानवरों को पानी से नहीं देता हूँ। अभी तक लगा रहा जी, रात पूरी रात बिजली नहीं थी, तो अभी जो है वो सब कुछ एडिटिंग की, फिर और दो तीन जगहों पर वीडियो शीडियो अपलोड की, और अभी फारिग हुआ तो मैंने सोचा चलो जी व्लॉग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जानवरों को पानी शानी देने के बाद मैं इस तरफ आया रोड की तरफ, और रोड आया और देखा कि एक कुतरा है, छोटा सा बच्चा, कुत्ते का बच्चा है, उसको गाड़ी ने मार दिया। और अभी ठीक हो गया माशाल्लाह, चल फिर रहा है। अभी उसको साइड पर किया, अभी माशाल्लाह ठीक हो चुका है। तो अब जा रहा हूँ जी, खाने का टाइम हो चुका है, जाते हैं खाना खाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। अभी देखें जी, मुर्गी माशाल्लाह ठीक हो चुकी है। ये जो इंजेक्शन जो लगे हैं ना, इसके बाद जो है और बेहतर हो चुकी है माशाल्लाह। देखें मेरी पैरों से मेरे पैराओ। अभी मैं असर की नमाज पढ़ के आया जी। तो दोस्तों, रात से हमारी बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा जल चुका है, डज़ रब किया है, और रात तक ख़राब था, और अभी जो है वो उतार कर ले गए, थोड़ी देर पहले ही उतार कर ले गए। तो दुआ करें कि जल्दी वापस ले आए। यार वीडियो भी बड़ी मुश्किल से अपलोड की है, लेट हो गई थोड़ी, तकरीबन 3-3.5 बजे तक अपलोड हुई, क्योंकि गैस भी नहीं होता और जनरेटर स्टार्ट करके मैंने वीडियो अपलोड की, बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई। तो चलो जी, इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह करे आ जाए जल्दी। तो अभी जाते हैं जी, भैंस का दूध भी नहीं निकाला और गाय का भी नहीं निकाला, क्यों, टाइम थोड़ा था नमाज के लिए, तो जल्दी जल्दी गया नमाज पढ़ के। अभी जाते हैं, सिर्फ दूध निकालना ही है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कुछ देखते हैं, आता अरमान के पास जल्दी वापस आते हैं, कुछ शोगल लगाते हैं। यार बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा सा शोगल नहीं लगाया, कुछ तंग करेंगे, गप शप लगाएंगे, अच्छे वाला तंग करेंगे आज उसको। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ ऊपर अपनी मुर्गी के पास, उसका हाल अवाल पूछ लूँ, कैसी है, ठीक है या कुछ वश हुआ तो नहीं। ओहो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, ठीक ठाक हो, हाँ सेहत कैसी है, अच्छी है, पहले से बेहतर है। मुझे हाथ पर गिर गई, डर गया, ओ चीरी, लाइट नस गई, चलो छोड़ो, नस ही गई। अच्छा, सेहत अच्छी है, ठीक ठाक हो, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हो, लगता है ऐसा ही पहले से बेहतर हो। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ अपनी सब मुर्गियों का, मुर्गों का, सबका नाम रखूँ। चलो बहुत सारे नाम लिख कर कमेंट्स में भेजें, ताकि मैं सबका नाम रखूं। कितने हैं, पांच का, छह मुर्गियां हैं और एक मुर्गा है, और तीन चूज़े हैं, इन सब का नाम रखूंगा। नाम जो है वो अच्छा सा कमेंट्स में भेजें, और उसके बाद जो है वो नाम रखते हैं इनका। अच्छा, तो दोस्तों मैं जानवर शानवरों का दूध शूध निकाल के आया और इधर ऊपर आया जी, ये देखें, ओहो ये बेबी जो है वो नीचे गिर गया, देखें, और सब बच्चे जो है वो उड़ गए, डूरियों से उड़ गए, सिर्फ एक बच्चा जो है वो नहीं उड़ा अभी तक। ये इनका एक ही बच्चा था, इनकी पहली बार थी, और अभी तक इन्होंने नहीं उड़ाया, अच्छी तरह खुराक नहीं पहुंचाते इसे, इसीलिए अभी तक ये छोटा रह गया है। और आज तो ये नीचे ही गिर गया था, अगर छोड़ते इसको रात भर तो ये मर जाता, शुक्र है आकर मैंने देख लिया। ये देखें जी, ये भी जख्मी हो गया, ये कैसे जख्मी हुआ, एक माँ का इकलौता बच्चा है, ये वाला इकलौता बच्चा है, तो मैंने सोचा यार अभी बड़ा हो चुका है, देखें बड़ा हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो इसे अलग करते हैं, और भी दो चूज़े हैं, एक चूज़े इससे बड़ा है, एक जो है इस कि जैसा ही है, तो मैंने सोचा चलो इसकी माँ जो है वो अंडे देगी, अंडे शंडे उससे ले लूँगा। तो इसको अलग बंद किया था उन चूज़ों के साथ, उन चूज़ों ने देखे क्या हाल बना दी इसका। अभी देखते हैं ऊपर जो मुर्गी है ना, वो भी कॉक है, उसने बच्चे नहीं निकाले, उसके अंडे जो है वो मुर्गियों ने तोड़ दिए थे, तो वो भी जो है इनको अपने नीचे बिठाती है, तो देखते हैं अगर बिठाती है तो उसके पास छोड़ के आता हूँ इन सब को, और इस मुर्गी से जो है वो अंडे लेता रहूँगा। अभी वो ठीक होने में तकरीबन 2-3 हफ्ते तो वो लेगी, तो बेहतर है कि चलो बच्चे भी पाल देगी, और जो है इंशाल्लाह अंडे, फिर इससे अंडे भी ले लूँगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है।
इस बड़े वाले चूज़े को मारती है और इसे भी नहीं मारती और उसे भी नहीं मारती। चलो ये भी थोड़ा ज़ख्मी है, इसीलिए ज़ख्मी है कि इसने मारा इसे। ठीक है, जब इनकी कैल्शियम की कमी होती है तो ये एक दूसरे को ही खाते हैं। फिर जो नए पर निकलते हैं ना, तो ये एक दूसरे के खाते रहते हैं, तो उसके भी इसी ने ही खाए। देखें सामने से मुंह, देखें इसका, इसी ने ही खाया। अच्छा तो दोस्तों, मैं कपड़े शपड़े चेंज करके इस तरफ आ गया और देखते हैं तारमान हुआ तो उससे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और उसके बाद जो है जाएंगे इंशाल्लाह। मैं 5-1 मिनट तक बैठा रहा, चूज़ों को कुछ भी नहीं कहा, मुर्गी ने दोनों को कुछ नहीं कहा। एक को मार रही थी तो वो मैं नीचे ही ले आया, वो बड़ा था, वो खुद ही खाता पीता है, वैसे भागता रहता है। उसकी माँ जो है वो अंडे देती है, तो मैंने सोचा चलो यार इसको नीचे ही छोड़ देते हैं। तो चलो अभी देखते हैं, टिकटॉक की वीडियो भी 2-3 दिनों से जो है वो कुछ लिपसिंग वाली बना रहे हैं, कुछ अच्छी वाली नहीं बना रहे, अपना जो कंटेंट है वो नहीं बनाया अभी तक। तो चलो देखते हैं, अपना कंटेंट भी बनाते हुआ तो है वह नहीं आया। तो चलो जी छोड़ो, नहीं आया तो वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।